चुपकी सिंदूर मांग में दो चुपकी सिंदूर। बुआ जी एक बार से हम अभी लेकर आते। क्या हुआ सिद्धि रानी, कहाँ है पार्सल? नहीं मिला? हाँ लगता है ना उस पार्सल के पंख निकल आए और पंख फड़फड़ाता हुआ वो आसमान में फुर्र से उड़ गया, है ना? बुआ जी हम सच कह रहे हैं। अरे बस कर, कितना झूठ बोलेगी, ये कितनी कहानियां सुनाएगी। हमें लगता है तुझे अंदाजा नहीं था कि तेरी पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी, इसीलिए अब नया बहाना तो कोई तेरे पास होगा नहीं, है ना? बुआ जी सच में वो पार्सल था। एक मिनट बुआ जी, हमने उस असुर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, हम आपको वो दिखाते हैं। एक मिनट। दिखा दिखा जल्दी दिखा। क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? फोन के सारे वीडियो फाइल्स कैसे डिलीट हो सकते हैं? ये जरूर उस असुर का ही काम है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक आदमी असुर के भेस में आया और तुम्हें ब्लैकमेल किया, उसके बाद में घर में आके सारे सबूत मिटा के चला गया। वाह, हो सकता है, क्योंकि वो हम पे नजर रखा हुआ था। हाँ दादिया, मैंने भी असुर के भेस वाले आदमी को देखा था। तू अपनी बातों से बाकी सबको मूर्ख बना सकती पर हमें नहीं। भूत के पांव पालने में देखकर हम उसका भविष्य बता देते हैं, इंसान की आंखों में झांक कर उसका चरित्र बता देते हैं, समझ जाते हैं कि वो कब सच बोल रहा है और कब झूठ। सिद्धि, वीनू, अगर तूने अपनी पत्नी पर लगाम कस के रखी होती तो हम सबको आज का दिन नहीं देखना पड़ता। अब हम इसे संभालेंगे, चलो उठ। बहू ने बिल्कुल ठीक कहा था इस लड़की के बारे में, इससे ज्यादा धूर्त और झूठी लड़की हो ही नहीं सकती। अरे माँ, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। सच यही है कि ये सांवली लड़की अपनी छोटी बहन से बहुत जलती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, बड़ी गोरी है, और इसके मन में ये डर है कि कहीं वो सुंदर लड़की इसके पति को अपने प्यार की जाल में फंसा कर इस घर की बहू ना बन के बैठ जाए। इसीलिए इस सांवली लड़की ने अपनी छोटी बहन को जहर देके उसे मारने की कोशिश की। बस बुआ, बंद करिए अपनी ये बकवास। वीनू, ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से? चार दिन इस लड़की के साथ क्या रह लिया? हमारे दिए हुए सारे संस्कार भुला दिए? माफी मांग, अभी के अभी माफी मांग अपनी बुआ से। सॉरी बुआ जी। जब अपने कमरे में जा, हमें तेरी पत्नी से बहुत जरूरी बात करनी है। चला जाऊंगा दादिया, लेकिन आपसे एक विनती, आप एक बार सिद्धि की बात जरूर सुनिए, मुझे यकीन है आप न्याय और सच का साथ देंगे। सिद्धि को भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी सच्चाई को साबित करने का। है ना? ठीक है, अगर इस लड़की ने अपनी सच्चाई साबित कर दी तो हम इसे क्षमा कर देंगे।
तू तो जानता है कि बिना अपराध के हम किसी को सजा नहीं देते, तो हम तेरी पत्नी को एक मौका देते हैं खुद को साबित करने का। अगर ये अपने आप को निर्दोष साबित कर सके तो कर ले, ये साबित कर दे कि इसने अपनी बहन को जहर नहीं दिया है। पर हमारी भी एक शर्त है, अगर ये साबित नहीं कर पाई तो इसे हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाना होगा। मुझे मंजूर है दादिया। मुझे सिद्धि पे खुद से भी ज्यादा यकीन है और मुझे यकीन है कि अपना सच आप सबके सामने साबित करके रहेगी। माया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक बार माया से मिलने दीजिए, एक बार हमारी बहन को देखने दीजिए प्लीज। ना, पहले तो खुद को निर्दोष साबित कर। ये साबित करके तूने अपनी बहन को जहर नहीं दिया, उसके बाद ही तू अपनी बहन से मिल सकती है। माया को बचा लेना कान्हा जी, प्लीज हमारी माया को बचा लेना। माया, माया, डॉक्टर आके देखिए माया को क्या हो रहा है। इनकी तो हालत और बिगड़ गई है, मुझे इनको इंजेक्शन देना होगा। आप प्लीज बाहर जाके रुकिए। इस कील से अपने अंगूठे को दबाकर हमने अपनी हार्ट रेट इसीलिए तो बढ़ाई थी कि डॉक्टर भी धोखा खा जाए। अगर हम ठीक हो गए तो हमारा प्लान पूरा कैसे होगा। बड़ी मेहनत करके इस बिस्तर तक पहुंचे हैं, अब यहाँ से सीधा विनायक के दिल में पहुंचना है हमें। हमें किसी भी कीमत पे सिद्धि से अपने विनायक को छीनना है, इसलिए तो ये जहर पीने का नाटक करना पड़ा हमें। माया ये जूस पी ले। थैंक यू सिद्धि। इस दवाई की डेट एक्सपायर हो चुकी है और अगर तारीख खत्म होने के बाद किसी दवाई को पिया जाए तो वो जहर बन जाता है। ये हमारी जान तो नहीं लेगा पर हमारे खून में जहर जरूर दिख जाएगा और डॉक्टर को यकीन हो जाएगा कि सिद्धि ने हमें जूस में जहर मिलाकर पिलाया था। हम विनायक को हर हाल में हासिल करके रहेंगे और सिद्धि को हमें जहर पिलाने के इल्जाम में विनायक के दिल से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। ये सच जानने के बाद विनायक कभी सिद्धि को माफ नहीं करेंगे, बस हमें इसी मौके का फायदा उठाना होगा। हमारे अगले वार के लिए तैयार हो जा सिद्धि, हमारा ये वार तुझे विनायक से हमेशा के लिए दूर कर देगा और हमें उसके एकदम करीब।
विनायक माया कैसी है? वो बच जाएगी ना, वो बच जाएगी ना। डॉक्टर कह रही थी कि माया की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसको कुछ भी हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिद्धि, ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? सब हमारी गलती, हमें आपको सारा सच पहले ही बता देना चाहिए था। जब बताना चाहिए था तब तुमने बताया नहीं, और अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अभी अभी मैंने तुम्हारा साथ दिया ददिया के सामने, और तुमने मेरे ही घर में अपनी बहन को जहर दे के मौत के मुंह में क्यों ढकेला? तुम्हारी वजह से आज माया की जान खतरे में, तुम्हारी एक गलती की वजह से आज तुमने दोनों माया और मुझे खो दिया। खुद माया को मौत के मुंह में ढकेला है तुमने, वो भी उस घर में जहां मैंने इसकी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। अगर तुम एक बार मुझे सच बता देती तो शायद आज माया। विनायक, हमने माया को जहर नहीं दिया था, वो तो असुर की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने वो जहर की शीशी उड़ेल दी थी और बस जूस में डालने का नाटक किया। माया की बॉडी में जहर मिला है सिद्धि, अगर उस शीशी में जहर नहीं था तो माया की हालत कैसी हुई? विनायक, हम सच कह रहे। बोलो सिद्धि। रुक जाओ सिद्धि, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। गलती मेरी है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हें यही लगा था कि मैं इस बार भी तुमसे प्यार का नाटक कर रहा हूं, इसलिए तुमने मुझे अपना नहीं समझा और सच नहीं बताया। लेकिन इस बार मैं अपना प्यार साबित करके रहूंगा। बोलो सिद्धि, कैसे यकीन दिलाओ तुमको कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं? विधायक, समझ गया। आई लव यू सिद्धि, आई लव यू। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया सिद्धि, लेकिन तुमने मेरे प्यार को झूठा साबित कर दिया मुझे। आप में से सिद्धि कौन है? डॉक्टर ने उसको बुलाया है। वो सब छोड़ो, पहले हमारे बच्चे को देखो। अभी बेटा, ये विनायक देखिए ना माँ। हाँ चलिए। अरे अरे पकड़ो पकड़ो के पास जाना। मैं अभी नहीं। अरे रोको इसको, अरे रोको। माया माया संभाल के। माया सिद्धि, प्लीज तुम्हारी सिद्धि कुछ मत बोल, इसकी कोई गलती नहीं। देखा माँ आपने, आज इस कलयुग में भी अपनी बहन से सच्चा प्यार करने वाली लड़की है। अरे हम तो कहते हैं बहन हो तो माया जैसी हो, और दूसरी तरफ ये सिद्धि है।
जो अपनी बहन को जहर देके मार डालना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसके पति से शादी ना कर ले। सौतन होने का डर होता ही बहुत खतरनाक है। देखिए ना कैसे बहन को बहन की जान का दुश्मन बना दिया। कुछ नहीं होगा तुझे। माया। डॉक्टर देखिए आप ये देखिए बेहोश हो गई लड़की। डॉक्टर। माया माया प्लीज आगे खोल। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए ना। आप दोनों जाओ एम्बुलेंस का इंतजाम करो। माया माया देख तेरी सिद्धि यहाँ पे। प्लीज प्लीज आगे खोल। शिव 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 हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेती हूँ। सिद्धि सिद्धि हम ऐसे अपने अधूरे अरमानों के साथ नहीं मरना चाहते। कुछ नहीं होगा माया तुझे कुछ नहीं होगा। मरने से पहले एक बार तेरी तरह दुल्हन बनना है। तेरी तरह मरने से पहले सोचना है सवरना है चंद लम्हों के लिए सही, पर हमें अपनी मांग में सिंदूर देखना। माया माया तो पहले ठीक हो जा। हम तेरी शादी भी कराएंगे और तुझे दुल्हन भी बनाएंगे। नहीं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सिद्ध। ऐसा नहीं बोलते माया। हमें हमें आज ही तलब बनना सिद्धि। लेकिन आज की आज शादी कैसे होगी? लड़का तो यूएस में है। अच्छा 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 ओ मरने से पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दे सिद्धि। माया, माया सुन, पहले ठीक हो जाओ, बाद में शादी कर लेना। किसी डॉक्टर को इलाज करने दो। नहीं नहीं विनायक, अपना इलाज कराएंगे, लेकिन तुम्हें आपसे वादा करना होगा कि हमारी शादी होगी। विनु, ये लड़की जिद पर अड़ी गई है तो इसकी आखिरी इच्छा पूरी करवा ही दो। क्या पता कल कुछ हो हुआ गया तो इसकी आत्मा हमारे पूरे घर में भटकती रहेगी। शिव 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 शिव, हम ऐसा कोई अनर्थ नहीं करना चाहते जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। विनु, इसकी आखिरी इच्छा पूरी करवा दो बेटा। हाँ लेकिन इसे दुल्हन तो बना देंगे, लेकिन इसकी मांग में सिंदूर कौन भरेगा? हाँ ओ, ओ। एक मिनट अब मांग में सिंदूर भरेगा ना हमारा विनु। हाँ विनु भरेगा। सुषमा ये क्या नाम सना बक रही हो? क्या तुम्हें समाज का लोक लाश का कोई ख्याल नहीं है? कैसे वीनू भर सकता है इसकी मांग? वो तो शादीशुदा है। बुआ जी प्लीज आप ये सब मत बोलिए। हाय माँ हमें क्षमा कर दीजिए, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हम कितने संस्कारी हैं। अरे ऐसी बात बोलने से पहले तो हम अपनी जान देना चाहेंगे माँ, लेकिन आपको इन लोगों का सच नहीं पता ना।
अरे सच ये है कि विन्नू ने तो इन दोनों बहनों के साथ साथ फेरे लिए हैं। हाँ क्या? हाँ हाँ अग्निकुंड के इर्द गिर्द पूरे साथ। तो उस हिसाब से तो हमारा विन्नू इस लड़की की मांग में सिंदूर भर ही सकता है ना। कम से कम इस मरती हुई लड़की की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना? शिव 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 ये क्या अनर्थ। अब हम अभी आते हैं। हम सिंदूर भी ले आए। ये ले सिंदूर और भर दे इस लड़की की मांग। बापू जी क्या आइडिया दे रही हैं आप। ये की ना आपने मेरे फायदे की बात, आज मेरे ये मरने का नाटक की वजह से मेरा विनायक सिद्धि के सामने मेरी मांग भरने पर मजबूर हो जाएगा। सिद्धि लाख मना कर ले, लेकिन विनायक इसे मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरा जरूर करेगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल आदमी है। अरे बेचारे मर रहे, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अरे क्या सोच रहा है विन्नू, ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कम से कम ये बेचारी चैन से मर तो सकेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.